आपको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में दी। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए एक भजन गाएं। आराधना करता हूँ मैं हृदय की गहराइयों से, देता हूँ जीवन देता हूँ जीवन, करता समर्पण खुद को। आराधना करता हूँ मैं हृदय की गहराइयों से, देता हूँ जीवन देता हूँ जीवन, करता समर्पण खुद को। आराधना करता हूँ मैं हृदय की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर दीनों को ऊंचा करता है, दीन लोगों को परमेश्वर ऊंचा करता है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में 46 से 55 तक मरियम के गीत के बारे में पढ़ते हैं। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, दीन लोगों को परमेश्वर ऊंचा करता है और भूखों को परमेश्वर उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है और परमेश्वर की दया पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है और परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद से भरते हैं। देखो, अब युग युग तक लोग मुझे याद किया करेंगे। उस दीनता को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। परमेश्वर ने उसे धूली में से उठा करके राजा के पद पर बिठा दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और परमेश्वर भूखों को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है। मेरे प्रियों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप मन में दीन हैं, यदि आप मन में नम्र हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचे पद पर नियुक्त करेगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। एक दिन परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। यदि आपके जीवन में किसी चीज की घटी कमी है, तो परमेश्वर आपको उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा। यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है, तो परमेश्वर आपके जीवन में आनंद देगा। परमेश्वर की दया आपके जीवन पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को करेगा। जिस प्रकार उसने मरियम के जीवन में बड़े काम को किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े काम को करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस दीन मरियम को उठाया और उसके नाम को परमेश्वर ने महान कर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए भी करेगा, यदि आप मन में दीन और नम्र होंगे तो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करें। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारा उद्धार करता है। वो पवित्र परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है और अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, यदि उस वचन में लिखा है कि वो दीन को ऊंचा करता है, तो वो अपने वचन को पूरा करेगा। वचन में लिखा है कि वो भूखों को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है, तो वो अपने वचन को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर
परमेश्वर ने मरियम को संभाला, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी संभालेंगे। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आप भी मरियम की तरह आनंदित हों, मग्न हों, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक उद्धारकर्ता को भेजा है। परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर स्वयं आपके लिए इस धरती पर आकर के आपके गुनाहों के खातिर उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस बात के लिए आप आनंदित हों। हो सकता है आप घटी कमी में हों, परंतु आप फिर भी आनंदित हों, क्योंकि आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रभु जी हम सब मिलकर आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उन सबको पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं इस सुबह में परमेश्वर पिता। आपके पवित्र लहू में उन्हें छिपाते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति इन भाई बहनों के संग में मांगते हैं मेरे खुदावन। प्रभु जी विशेषकर आज के दिन के लिए खुदा हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने जीवनों से आपको बड़ाई प्रशंसा आदर और महिमा देते हैं परमेश्वर। प्रभु सच में आप हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर है, आप हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने वायदे को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं पिता। प्रभु जी सच में आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ होने पाए। विशेषकर हम धन्यवादी हैं आज की सुबह में इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे हृदयों में बोया है। प्रभु जी ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में पिता कार्य करे पिता परमेश्वर, ये फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, कि प्रभु उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में, उनके जीवन के हर एक कामों में प्रभु जी आप उन्हें ऊंचा करें, आप उन्हें बढ़ाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी विशेषकर हम धन्यवादी हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु, प्रभु इन भाई बहनों के लिए अच्छा होने पाए पिता परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर पिता आप इन्हें अपने वचन के अनुसार आशीष दें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी सच में मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप प्रभु इन्हें अपनी अपने आनंद से भरें पिता। प्रभु आप अपने बड़े बड़े कामों को इन भाई बहनों के जीवन में पूरा करें पिता। आप इनके समाज में प्रभु इन्हें सम्मान दें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप दीन को प्रभु ऊंचा करते हैं, प्रभु जी आप प्रभु इन भाई बहनों को भी ऊंचा करें। आप इनके जीवनों में इन अपने कामों को सफल करें, इनके हर एक मनोरथों को पूरा करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार प्रभु आप भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं प्रभु, यदि प्रभु इन भाई बहनों की कोई भी जरूरत है, कोई भी इच्छा है प्रभु, कोई भी काम है प्रभु, आप इन्हें उन वस्तुओं से तृप्त करें, या फिर किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या फिर कुछ चीज चाहते हैं प्रभु जी, आप प्रभु अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार प्रभु उन्हें उत्तम वस्तुओं से तृप्त करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी भलाइयां प्रभु इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहे। प्रभु जी इनके घर परिवार पर आप अपनी भलाइयों को, आपने आनंद को पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनाए रखें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह में आप हर एक को दुख बीमारियों से, विपत्तियों से, कलेश से, कर्जों से, मुसीबतों से, शैतान की गलत युक्तियों से बचाएं परमेश्वर, और अपनी सुख समृद्धि आशीषों को, शांति को पिता आप इनके जीवन में दें, मेल मिलाप को, प्रेम को आप इनके जीवन में दें प्रभु जी। विशेषकर हम धन्यवादी हैं प्रभु जी कि आज के दिन में हर एक के काम सफल होने पाएं, हर एक निराशा, हर एक असफलताएं, हर एक मुसीबतें यीशु के नाम से इनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इन भाई बहनों के लिए जिनका आज के दिन में जन्मदिन है परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं आज के इस नए दिन में एक नया साल उनके जीवन में जोड़ने के लिए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बीते साल आपने संभाल कर रखा प्रभु, इस साल भी आप संभाल के रखें। आपके नाम से आज के दिन में इन्हें आशीष देते हैं, इनके कामों को सफल करें, इन्हें प्रभु दीर्घ आयु से आप तृप्त करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनकी योजनाओं को, इनके मनोरथों को, इनके विशेष को आप पूरी करें प्रभु जी। अच्छी हेल्थ दीजिए परमेश्वर पिता, इनकी भी इनके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभु बढ़ाई होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के पूरे
दिन के लिए प्रभु की आज का दिन हर एक के जीवन में अच्छा होने पाए। आपकी उपस्थिति हर एक जन के संग में होए प्रभु, हर एक दुर्घटना से, विपत्तियों से, परेशानियों से आप हर एक को बचाएं प्रभु। आपके सुरक्षा दायरे में इन भाई बहनों को रखते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।